इस एक्सरसाइज का नाम है सीटेड केबल रो। सीटेड केबल रो जो कि बैक मसल्स के साथ साथ ना आपके बाइसेप्स पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। मतलब कि देखो, इसे करते समय आपके बाइसेप्स टोन होगी, साथ ही साथ आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है और ग्लूटियस मैक्सिमस जो लेग के मसल्स है, इस पर भी जो कि इफेक्ट दिखाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो कि है अपने पैरों से ही देखिए आप अपनी अपर बॉडी को स्थिर रख पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि किस मसल्स पे कैसा इफेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको इसे करेक्ट फॉर्म बताऊंगी करने का कि देखिए, आपका बैक जो कि है हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, इसे बैंड नहीं होने देना है पूरी तरीके से। जैसे कुछ लोग होते हैं पूरे सामने की तरफ बैंड हो जाएंगे और फेट गया तो फिर पूरे पीछे की तरफ होंगे, तो आपके बैक को जो कि स्टिफ रखनी है, एकदम भी ज़्यादा स्टिफ नहीं, हल्का सा आपको जो कि हाथ के मूवमेंट से आगे की तरफ जाना है ताकि आपके स्पाइन पर लोड ना आए, ऐसा इंजुरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे कई लोग पूरे ऐसे पूरे बैंड हो गए करते गया तो फिर पूरे पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगे। और ना अपने हाथों को वेट पुल करने के लिए ना यूज करना, देखो वर्कआउट को धीरे धीरे ही करना, क्योंकि ना अगर आप जल्दबाजी में वर्कआउट करते हैं तो मसल माइंड एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से ये हुआ कि आप अपने जिस मसल्स पे टारगेट करना चाहते हैं ना, वो मसल्स टारगेट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मसल माइंड एंगेजमेंट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही वेट उठाए। कई लोग होते हैं ना कि शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने लगते हैं, तो इससे इंजुरी होती है, स्पाइन पे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकता है।